हेलो गाइस, तो आपने कीमा तो बहुत तरीके का खाया होगा, पर अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप कभी भी दूसरा कोई रेसिपी नहीं ट्राई करेंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी दम का कीमा, तो रेसिपी जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखिए। तो हमें हमारा बर्तन ले लेना है जिसमें हमारा कीमा बनाना है। तो उसमें हम डाल देंगे आधा किलो कीमा जिसे मैंने छन्नी में छान के रखी थी, इसमें ज़रा भी पानी नहीं है, ये देखिए कितना रूखा है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर सूखे मसाले में हमें सिर्फ डालना है हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची, ये दोनों डालना है। और फिर हम इसमें डालेंगे आधा कप दही, ये दही मैंने अच्छे से फेंट ली थी। फिर चले हमारे थोड़े मसाले को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, थोड़ा भून लेते हैं, जैसे कि 6 से 7 बादाम, 9 काजू, 2 टेबलस्पून सेंग, 25 ग्राम खोपरा और 2 टेबलस्पून खसखस। तो हम यहाँ पर अच्छे से एक तवा गर्म कर लेंगे हमारा, और ये सब डाल देंगे। जो साइड में गिरा उसे भी उठा के आप डाल दीजिएगा। ये सब डाल के अच्छे से हम इसे भून लेंगे। दो से तीन मिनट अच्छे से हम इसे कर लेंगे चम्मच चला के, ताकि अच्छे से सब चीज लाल हो जाए। अच्छे से हो जाने के बाद प्लेट पर निकाल देंगे और ठंडा कर इसे मिक्सर में पीस देंगे पानी डाल के। यहाँ पे मैंने 1/4 कप पानी डाली थी, ये देखिए इतना गाढ़ा रहना चाहिए हमें, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। यहाँ पे आपके गर्म मसाले जैसे कि तेज़पत्ता, ज़ीरा, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और बरिस्ता। यहाँ पे मैंने पहले ही बरिस्ता फ्राई करके रखी थी 1 कप है। 3 से 4 प्याज मैंने काट के इसे फ्राई कर ली थी। और यहाँ पे 1/2 कप तेल डालेंगे हम, जो तेल में आप प्याज फ्राई करेंगे आप वही डाल सकते हैं। हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद 1/2 घंटा इसे साइड पे रख देंगे। फिर हमारी गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसे रख देंगे हमारे गैस पर। देखिए मैंने कुछ भी ऐड नहीं करी। और फिर इसे हम ढक कर पकाएंगे धीमी आंच पर। देखिए बीच में चेक करेंगे, जैसे थोड़ा कीमा पानी छोड़ने लगेगा तो फिर एक बार अच्छे से इसे मिला लेंगे हम। इसे हम ढक कर छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, जिसमें हम बीच बीच में देखते रहेंगे कि हमारा कीमा नीचे से लगे नहीं। जैसे कि अभी हमारा कीमा तरी छोड़ रहा है, तो बीच बीच में से हम इसे हिलाते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन तो ज़रूर दबाइएगा। ये देखिए फिर हमने फिर से एक बार चम्मच चला लिया था, अच्छे से तरी छोड़ रहा है कीमा हमारा, मस्त लग रहा है। पहला 15 मिनट हो गया जिसमें हमने बीच बीच में से चेक कर लिया। फिर इसमें हम डालेंगे गरम मसाले का पाउडर 1 टेबलस्पून, और फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे एक बार। फिर जैसे देख सकते हैं कीमे का पूरा पानी सूख चुका था, तो हमने इसमें 1/2 कप पानी डाला क्योंकि हमारा कीमा गलना बचा था। फिर इसे हम अच्छे से एक बार फिर से चम्मच चला लेंगे और फिर इसे ढक कर पका लेंगे 10 मिनट के लिए, वही धीमी आंच पे। फिर 10 मिनट बाद जब कीमा पूरी तरीके से गल जाएगा तो नमक टेस्ट करेंगे और नमक ऐड करेंगे अगर लगता है, और ऊपर से कोथमीर काट के डालेंगे अच्छी खुशबू के लिए, और 2 हरी मिर्ची। और फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, तब हमारा कीमा बनकर एकदम तैयार होगा। हैदराबाद स्टाइल का दम का कीमा एकदम बढ़िया लाजवाब बनकर तैयार है, देख सकते हैं आप। फिर गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो फिर आप तो कोई दूसरा कीमा नहीं बनाने वाले हैं। और इसे ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा था। खाइए नान रोटी किसी के साथ, बहुत बढ़िया लगेगा। और मेरी चैनल पे और मज़ेदार रेसिपीज चेक करना ना भूले गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।